देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय YouTube चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटारा। भट्टू कलां गांव से जब जागरण से लौटा मालिक तो घर में घुसे मिले दो चोर, नकदी व सोने के आभूषण लेकर हुए फरार। गांव भट्टुकला में जब जागरण से बुधवार मध्य रात्रि घर का मालिक लौटा तो घर में दो चोर घुसे हुए मिले, जो नकदी व सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। बुधवार को शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में भट्टुकला निवासी राजेंद्र कुमार ने बताया कि वह मोटरसाइकिल ठीक करने का मिस्त्री है। रात को वह अपने परिवार सहित जागरण सुनने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। करीब आधी रात के बाद जब वह अपने घर आया तो उसने देखा कि दो युवक घर की दीवार फाड़कर भाग रहे थे। उसने घर जाकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ था, संदूक का ताला भी टूटा हुआ था, वहीं उसमें रखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। शिकायतकर्ता ने कहा कि संदूक में रखे 6,000 रुपये की नकदी व 1 सोने की लॉकेट गायब मिला है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने विक्की व राजू के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भट्टुकला के विश्राम गृह में सांसद सुनीता दुग्गल ने सुनी जन शिकायतें। भट्टुकला के विश्राम गृह में सांसद सुनीता दुग्गल ने जन शिकायतें सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। विश्राम गृह में सांसद सुनीता दुग्गल के समक्ष लोगों ने बताया कि यहाँ अनेक समस्याएं हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी समस्या 30 गांवों को जोड़ने वाली रेलवे विभाग की जर्जर रोड की है। यह रोड पिछले 8 वर्षों से जर्जर हालात में है, लेकिन कोई भी इस रोड का निर्माण करने को लेकर जिम्मेवारी नहीं ले रहा। रोड रेलवे विभाग का होने के चलते यहाँ पर किसी भी तरह का इस समस्या को हल करने को लेकर कदम नहीं उठाया गया है, जिस पर सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि उन्होंने कल ही रेल मंत्री को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाते हुए उनका हल करवाने को लेकर मुलाकात की, लेकिन यह समस्या उनके पास नहीं आई हुई थी। किसी ने भी इस समस्या के बारे में जब अवगत ही नहीं करवाया तो इसलिए यह चूक हो गई, लेकिन अब वे इस समस्या को हल करवाने का प्रयास करेंगी। इस दौरान सांसद दुग्गल ने भट्टू मंडी में अग्रवाल धर्मशाला के लिए अग्रवाल सभा को 5 लाख का चेक भी दिया। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद थे। बताइए जी, क्या ये कब से समस्या? ये पिछले 7-8 वर्षों से है, परंतु 3 सालों से तो बहुत भयंकर रूप धारण कर चुकी है। ये 30 गांव को जोड़ती है सड़क, जो ओवर ब्रिज से लेकर चालू फाटक तक बिल्कुल इकट्ठे हो चुके हैं और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो इस समस्या को लेकर आप कितना सीरियस? बिल्कुल, इस समस्या को जो है हम रेल मंत्रालय को है उनको बताएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि ये अगर हमारी थोड़ी सी पहले बातचीत होगी होती ना, मैंने ये शिकायत भी करी है कि जो पंचायत ऑफिस में हमारा दफ्तर है वहाँ जाकर अपनी समस्या बतानी चाहिए, लेकिन हम खुद इनके दरबार में आए, हम इनके दरबार में आके और हम इनसे समस्याएं ले रहे हैं, ये है ना? तो इसलिए जो है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ बात, क्योंकि कल ही मेरी मुलाकात जो है माननीय रेल मंत्री जी से हुई है, और पूरे लोकसभा की, सिरसा लोकसभा की मैंने बहुत सी समस्याएं उनके सामने रखी है। तो अगर ये मेरे ध्यान में होता तो कल आज के ये बात भी मैं कर लेती, लेकिन फिर भी आप चिंता ना करें, मेरी पूरी जिम्मेवारी है कि मैं पूरी अच्छी तरीके से ये बात रेल मंत्रालय को रखूंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम होगा। ये अग्रवाल सभा को है 5 लाख रुपए का चेक मैडम जी की तरफ से। शगुन फैशन, दुकान नंबर 2223, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। शगुन फैशन आपके लिए लेकर आया है विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज, बच्चों के और जेंट्स के लिए रेडीमेड कपड़ों की भरपूर वैरायटियां। यहां पर आपको मिलेंगे लेडीज कुर्ती, प्लाजो, वेस्टर्न ड्रेस, मिड्डी, क्रॉप टॉप, गाउन, लोअर, टी शर्ट, जीन्स टॉप, जेंट्स पैंट शर्ट, बास्केट, कुर्ता पजामा, बच्चों की फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, निक्कर टॉप के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के सभी प्रकार के अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक की आइटमें, और वो भी सब कुछ बाजार से कम रेटों पर। ब्रांडेड कंपनी की बच्चों की फैंसी ड्रेसेस लेने के लिए अब कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं।
भट्टू मंडी की एकमात्र वाजिब दाम की दुकान शगुन फैशन। शगुन फैशन दुकान नंबर 2223 डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग हिसार रोड भट्टू मंडी। प्रोप्राइटर हैं डॉक्टर प्रताप सांगर और वीरेंद्र।